वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर कृष्णा का सॉन्ग लाई हूँ और इस सॉन्ग का नाम है महारानी। और इस सॉन्ग का महारानी नाम सुन के और इसका थंबनेल देख के मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो देखते हैं इस सॉन्ग में ऐसा क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। महारानी सुना तुझे भी अब ये मरवानी होंगे इस चुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी गहराई में शाट मेरी लहरानी तो वो जल परी जो नहर में ना तैर पारी पड़ेगा थप्पड़ तू असली खबर पड़ मैंने महारानी को फाड़ दिया देखा लगाना चाहता तू रेखा सिंदूर से मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया तेरी प्रजा नहीं है मेरी अवाम है तेरी दोगलीपन का तो रहूं गवाह मैं एयर होस्टेस तेरी बंदी वो तो उसका काम है पर तू क्यों हवा में तू था गर्ल तेरी बीच में ही जाता नॉक नॉक रात के बीच में ही आता उसने कहा क्रिश गिव मी दैट किक मेरा इतना बड़ा उसका मुंह फाड़ के भी फिट नहीं आता बुरा लगा रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हसल में बुरा लगा ये बात है निकल गए असल में बुरा लगा पाकिस्तान ने तुझे प्यार नहीं किया बुरा लगा तुझ पे डीएमएफ ने कभी ध्यान नहीं दिया करने लगा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा पर हमले से पहले एक वार्निंग आता क्लासिकल संगीत का शौक मुझे आजकल उठ के चलाता हर मॉर्निंग रागा इस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है मेरे दांत पीले नहीं तेरे फैक्स की दर है मैंने डाला गाना 11:30 तूने डाला 10 पे 22.5 घंटे मैथ्स की दर है 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया माल फूक के दिन भर रहता है स्टोन पर आज तक एक शो तू रॉक नहीं कर पाया अभी बहुत तेज है पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी रेड बुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी थोड़ा कम फूक तू मार ली गई है हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है जाके संभाल अपने रंगीन बाल बेटी आखिरकार ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है लेना ना पंगा लगा तू मैं लंका में ना क्षमता बनाने का ढंगा सुबह सुबह मुझे उधेड़ेगा बंदा आज बता अपनी अकड़ का पिछली बार मिला तो शक्कर से शक्कर था छोटे तू मेरे ना टक्कर का जाके ये पकड़ जा तू टोनी कक्कर था टोनी कक्कर मीडिया पढ़ ले तू ध्यान से पढ़ा देखी मीडिया के कूड़े दान में मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते फिर ट्रैक पे छोड़ू तुम्हें नंगा करके अब धो लिए हाथ तूने गंगा जल में मैं गुस्से वाला नहीं मिले घंटा घर पे पंचलाइन इसको देख के लगता है जैसे मेरा लंच टाइम आज स्लिप टैग जैसे कुल्फी कहलाता मैं बाहर जब आता है क्रंच टाइम आई एम नॉट द वन टू फक विद तू लगे इन ब्रेड जैसे बन में कटलेट अब अंटी के बिस्तर में कर दू वर्जेशन गेस फॉर यू सन इज फन टू सक दिक बीफ में तेरी क्या औकात है आई किल गाइस छोड़ी सौलाश है तेरा खानदान सुनता है अभी भी अब समझा चूतिया क्यों औलाद है मैदान में बस असली जो रखते कदम नकली जन्म से रख ले भरम रिप्लाई के नाम पे तू कर ले शर्म रखते कलम हर जब तू कर दे खत्म और टीवी सुनता है कृष्णा के गाने यहाँ सच नहीं बोलता तू फेकर है बेटा खुद से बड़ा हुआ दूसरा महाराज की नौको का चौको तू लेकर है बैठा खा ले तू मुँह में अब डाल ले तू रैप छोड़ बेटी तेरे बस की नहीं है कोई जल्दी नहीं है पहले जुल्फे संभाल ले तू इतने साल से क्या बात है। ओ सच बोलूं गाइस ये सॉन्ग जो है वो मुफाड़ के लिए गाया है और जिस तरह से उन्होंने महारानी का जो कॉन्सेप्ट डाला है अपने सॉन्ग में वो मुफाड़ के लिए था और किस तरह से उन्होंने अपने सॉन्ग में ऐसे ऐसे सुनाया सच बोलूं तो ये सॉन्ग इतना फनी सा भी लगा ना मुझे कहीं कहीं पे और थैंक यू मुझे इस सॉन्ग पे रिएक्शन देने के लिए सोच भी नहीं सकता कोई इस तरह से कोई सुना सकता वो भी इतने सारे लिरिक्स थे उनके यानी इस तरह से सुनाया गया तो फाइट साथ में सॉन्ग भी एक बना दिया उसके ऊपर और जिस तरह से इस सॉन्ग का म्यूजिक भी मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह से सॉन्ग में बीट्स बज रहे थे ना वो भी मुझे काफी अच्छा लगा और जिस तरह से सॉन्ग का नाम रखा है ना महारानी तो इतना सोच समझ के रखा गया है उस सॉन्ग का नाम महारानी तो मुझे ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा इस पे मेरा रिएक्शन कैसा लगा जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मधु फिल्मी तड़का और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी।